बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस वीडियो में हम जनरलाइज ली स्केयर मेथड इन प्रेजेंस ऑफ हेट्रोकैडस्ट्री डेवलप करते हैं, और इस मकसद के लिए पहले हम मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ हेट्रोकैडस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते हैं कि द वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स डेवलप इन जनरलाइज लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन प्राइम एप्सिलॉन रेजुलटा में, और ये एप्सिलॉन स्केयर बनते हैं स्केलर टर्म में। इसको मैट्रिक्स नोटेशन में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन प्राइम, जो कि हमारी वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन वन स्केयर, ये कोवेरियंस हुआ, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू एंड सो ऑन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन अप टू एन। इसी तरह यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू कोवेरियंस, और ये डायग्राम में वेरियंस होता है जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टू एंड सो ऑन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन एन। सिमिलरली इसको अगर हम लास्ट इसकी रो लिखें तो ये हो जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन एन। इस तरह यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन एन सो ऑन लास्ट एप्सिलॉन एन स्क्वायर, ये वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स कहलाती है। अब अगर कोवेरियंस जो कि ऑफ डायग्राम में यहाँ डिस्प्लेड हैं ये ज़ीरो हों और प्रिंसिपल डायग्राम में वेरियंसेस हों और ये वेरियंस अगर कांस्टेंट हैं तो ये होमोकैडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगी। फिर रिपीट करता हूँ, अगर प्रिंसिपल डायग्राम में वेरियंसेस कांस्टेंट हों तो ये होमोकैडस्ट्री होगी, लेकिन हेट्रो की सूरत में ये प्रिंसिपल डायग्राम में जो वेरियंसेज हैं ये सेम नहीं हैं, ये सारे यूनिफॉर्म नहीं हैं, कांस्टेंट नहीं हैं, इसलिए हर एक वेरिएंस की वैल्यू दूसरे से डिफरेंट होती है, इसलिए इस फिनोमेना को हेट्रोकैडस्ट्री कहा जाता है। सो हम आगे चलते हैं कि इफ़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन वन स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टू स्केयर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन थ्री स्केयर एंड सो ऑन। अगर ये इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट है और इसकी वैल्यू डिफरेंट है, तो ऐसी सूरत में ये हेट्रोकैडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी सूरत में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन प्राइम इज नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, सो वेयर आई इज आइडेंटिकल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये इसके इक्वल नहीं है। अब ये किसके इक्वल होगी, हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू लेमडा वन ज़ीरो 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 लेमडा टू ज़ीरो 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 लेमडा थ्री एंड सो ऑन ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो लास्ट में लेमडा एन। सो ये हमारे पास
हेट्रोकेडास्टिक वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ गई है, ये हेट्रो है, ये होम। अगर यहाँ पर सारे वेरिएंस इक्वल हैं तो ये होमो की होगी, विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओमेगा। क्यों? इसलिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा वन स्क्वायर जीरो 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 सिग्मा टू स्क्वायर जीरो 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 सिग्मा थ्री स्क्वायर जीरो 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 एंड सिग्मा एन स्क्वायर। तो यहाँ आपने नोट करना है कि ये जो सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सिग्मा एन स्क्वायर यानी ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से इनको हम सिग्मा आई क्या देते हैं, सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास कि डब्ल्यू ज़ीरो 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 डब्ल्यू वन ज़ीरो डब्ल्यू टू ज़ीरो ज़ीरो एंड सो ऑन ज़ीरो ज़ीरो डब्ल्यू एन विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओमेगा, फिर ओमेगा इज इक्वल टू डब्ल्यू वन ज़ीरो 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 डब्ल्यू टू ज़ीरो 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 डब्ल्यू थ्री ज़ीरो 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 डब्ल्यू एन। अब ये जो जो मैट्रिक्स है दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज रादर डायगोनल मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट होंगी, W1 की डिफरेंट है, W2 की डिफरेंट है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टर्बेंस रंग इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद जीरो मीन एंड सिग्मा स्क्वायर ओमेगा वेरियंस। अब हम आते हैं जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर की तरफ, यानी GLS मेथड क्या होता है, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब यूँ तो पता चल गया कि हेट्रोकेडास्ट्री की सूरत में OLS से एस्टिमेशन नहीं हो सकती, OLS अप्रोप्रिएट और वैलिड मेथड नहीं है एस्टिमेशन का। तो इसका जो वैलिड मेथड है वो है जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर GLS जिसको कहते हैं, और जो GLS एस्टिमेटर्स हैं वही असल में ब्लू एस्टिमेटर होंगे इन प्रेजेंस ऑफ हेट्रोकेडास्ट्री। जो हमारे पास गिवन रिग्रेशन है मैट्रिक्स नोटेशन में वो है वाई इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, यहाँ वाई वेक्टर, एक्स मैट्रिक्स, बीटा अननोन वेक्टर और ई एन क्रॉस वन वेक्टर, ये वेक्टर्स हैं और इनकी अपनी अपनी डायमेंशन है, इनका अपना आर्डर है, वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू, इसको हम एक दूसरी तरह से डिफाइन कर लेते हैं, वन बाई लेमडा वन ज़ीरो 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 वन बाई लेमडा टू ज़ीरो
0 0 0 1 by lambda 3 up to 0 and last 0 0 0 1 by lambda n. और ये हमारे पास किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर. और हम जानते हैं कि ओमेगा को हमने पहले w1 0 0 0 0 w2 0 0 0 0 w3 0 0 0 0 up to wn. सो ये हमारे पास ओमेगा मैट्रिक्स है. और ये याद रखने हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसी से हम आगे प्रोसीड करते हैं. वेयर लैम्डास, यानी लैम्डास की जो वैल्यूज़ हैं ये असल में ये नॉन है. आर अज्यूम to be known positive numbers. अब हम regression की तरफ दोबारा जाते हैं. हमारे पास जो regression है ये है, और इसमें v is not homocadastic. यानी ये ऑटोकैडास्टिक है. तो we want to convert it. To convert it into homocadastic. Distribution, we define a non-singular matrix P. So एक नई पी, एक P matrix हमने define की है, लेकिन वो इस तरह कि such that P P prime is equal to omega. यानी ओमेगा हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसकी प्रिंसिपल डोगलेम में w1 w2 wn वैल्यूज़ हैं जो कि इक्वल नहीं है. अब उसी को हमने यहाँ पर इस तरह डिफाइन किया है कि वो p इंटू p प्राइम के बराबर है. अब यकीनन p किसके बराबर होगा, 1 बाई लैम्डा 1 अंडर रूट के. 0 0 0 1 बाई लैम्डा 2, क्योंकि हमने वहां पर लैम्डा 1 इक्वल किसके था, डब्ल्यू 1 के. 1 बाई लैम्डा 3 0 0 0 0 और लास्ट में 1 बाई लैम्डा n. ये हमारे पास p है. अब इसके ट्रांसपोज से, p प्राइम का मतलब है इसके ट्रांसपोज से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, या हम इसको पहले इस तरह भी लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, कि w 1 अंडर रूट 0 0 0 w2 अंडर रूट, क्योंकि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे p प्राइम से तो ये w1 के बराबर आना चाहिए, ये w2 के बराबर आ जाएगा. 0 0 w3 अंडर रूट 0 एंड सो ऑन 0 0 0 और wn अंडर रूट, ये दोनों इक्वल इक्वलेंट हैं, सेम है. अब जब इसको p प्राइम से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखें पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा.
मल्टीप्लाई कर लेते हैं p इंटू p प्राइम, क्या रिजल्ट आएगा? अब यकीन है जब इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई लेमडा 1 अंडर रूट से, तो उसका ये रिजल्ट आएगा 1 डिवाइड बाई लेमडा 1 0 0 0 एंड 0 0 1 बाई लेमडा 2 0 0 0 0 0 1 बाई लेमडा 3 0 0 0 0 0 एंड 1 बाई लेमडा n which is equal to omega e omega. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि p p prime is equal to w1 0 0 0 0 w2 0 0 and 0 0 w 3 0 0 0 0 and w n. ये हमारे पी पी प्राइम या ओमेगा मैट्रिक्स है. प्री मल्टीप्लाइंग the above matrix, the matrix or regression, by P inverse, we get regression hai hamare paas. So isko humne पी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करने हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आ गया. और इसको हम वाई स्टार कह देते हैं, यहाँ एक्स स्टार बीटा प्लस एप्सिलॉन स्टार. सो दिस रेग्रेशन इज कॉल्ड regression is called a star regression or transformed regression. यहाँ epsilon star अब homocadastic है, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हेटेरोकेडेस्टिसिटी का. सो वी कैन अप्लाई ओएलएस टू ऑन स्टार और ट्रांसफॉर्म रिग्रेशन. पहली assumption क्या है कि इसका मीन ज़ीरो होना चाहिए. हम जानते हैं ये p इनवर्स के बराबर है. अब ये किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जो कि हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू ज़ीरो. सो इसका मीन, इसकी मीन वैल्यू ज़ीरो है. सेकेंड हम इसका वेरिएंस देखते हैं, वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन स्टार
अब हमारे पास एप्सिलॉन स्टार है ना कि एप्सिलॉन, ये किसके बराबर है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्टार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्टार स्क्वायर। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एप्सिलॉन स्टार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्टार इनटू एप्सिलॉन स्टार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्टार प्राइम, यानी ये मैट्रिक्स नोटेशन में हम स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखते हैं। अब चूंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्टार इनटू एप्सिलॉन स्टार प्राइम, व्हाई? बिकॉज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्टार इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्टार, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्टार इनटू एप्सिलॉन स्टार प्राइम इज इक्वल टू पी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी इनवर्स इनटू एप्सिलॉन इनटू पी इनवर्स इनटू एप्सिलॉन प्राइम। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पी इनवर्स इनटू एप्सिलॉन होल ट्रांसपोज है, तो जब इसको ओपन करेंगे हम तो ये आ जाते हैं, ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, एप्सिलॉन प्राइम इनटू पी इनवर्स ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, यानी उस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की एप्लीकेबल है। मैं इसको फिर दोबारा लिखता हूँ, इज इक्वल टू, क्या करूँ बहुत नीचे ना रखूँ, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी इनवर्स एप्सिलॉन इनटू पी इनवर्स एप्सिलॉन ट्रांसपोज। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी इनवर्स एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और पी इनवर्स ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ पर जो रूल है वो अप्लाई किया मैंने, और अब इक्वल टू पी इनवर्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन प्राइम इनटू पी ट्रांसपोज पी इनवर्स ट्रांसपोज, और ये चूँकि स्टार इसके ऊपर नहीं है इसलिए ये हेट्रोस्कैडास्टिक है, तो हेट्रोस्कैडास्टिक का जो वेरिएंस है वो आप जानते हैं इसके बराबर है। अब ये इसको हम एक साइड पर कर लेते हैं, पी इनवर्स, पी इनवर्स ट्रांसपोज इनटू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू पी पी इनवर्स, वाई? बिकॉज पी पी इज इक्वल टू इसके बराबर है इनटू सिग्मा स्क्वायर। पी इनवर्स पी पी प्राइम पी इनवर्स ट्रांसपोज, बल्कि इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। अब जब हम ट्रांसपोज को ओवरऑल लिखते हैं, पहले इसको इस तरह लिख लेते हैं, पी इसको ऐसे लिखते हैं।
अब P के ऊपर भी ट्रांसपोज है और P इनवर्स के ऊपर भी ट्रांसपोज है. कंबाइन ट्रांसपोज करेंगे तो ये उसी तरह रिवर्स हो जाएगा. P इनवर्स ये पहले आ जाएगा, P ये वाला P और ये होल, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स. यहाँ पर P ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज, जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा इनटू सिग्मा स्क्वायर. और यहाँ चूंकि किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें तो वो आइडेंटिटी आती है, ये भी आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी होता है. दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. ये वेरिएंस, दिस इज वेरिएंस ऑफ, तो आप देखते हैं ये कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं. थैंक यू.